वाह रज्जू, ये खाना तो मतलब अम्मा आज बहुत बढ़िया बनो। सही कह रहे हो अपुआ, आज खाना लाजवाब बना है बहू। हाँ मम्मी, ये लौकी का रायता ना मुझे बहुत अच्छा लगा, और दो ना। हाँ हाँ, जे खत्म कर दे फिर और दिए। ए हिते, तू क्यों मुंह बना रहा? ये क्या है, 20 दिन से एक ही खाना खा रहा हूँ, टमाटर आलू भिंडी ये सब खा के ना मैं पक गया हूँ। तो का खायो, थप्पड़ खायो तुम? नहीं, वो तो मैं रोज खाता हूँ, जब चाहते हो खिला देते हो। कितने दिनों से कह रहा हूँ मुझे नॉनवेज खाना है, मैं पूछता हूँ इस घर में नॉनवेज कब बनेगा? अरे 10-12 दिनों के बाद बस। 10 या 12? अम्मा का जो ज्यादा लंबू ना होगो क्या? लंबू काफी दिन हो जाएंगे फिर ना। हुआ जे हम ना करवा रहे, पंडित जी ने एक पूजा बताई है कि तुम्हारे पिताजी की आत्मा की शांति के लिए, अब पूजा के बाद ही जा घर में नॉनवेज बनेगो। अरे कौन से पंडित ने बता दिया तुम्हें ये? मैंने तो नहीं सुना। तुम चुप करो, तुम भूत लोग का जानो पूजा पाठ के बारे में? क्या कह रहे पिताजी? अरे तुम्हारे पिताजी कह रहे, अरे 1 महीने की बात है, खा लो वेज। झूठी कहीं की, मैंने ऐसा कब कहा? सुनो सब लोग, 1 महीने तक जा घर में वेज ही बनेगो, 10-12 दिन की बात है, और है, और वैसे भी वेज खानो बहुत अच्छो होतो हो सेहत के लिए। वेज खाना खाने से आदमी का दिल और लीवर जल्दी खराब नहीं होता है? सब बात देख रहे थे, कुछ सीख इससे। एक जे है जो वेज खानों को इतो अच्छो बता रहा है, और एक तू है कि वेज खाना ही नहीं खा रहा है। But grandmother, how am I living without non-veg for so long? How, सही कह रही है। वेज खाने से आदमी मोटो ताजो हो जातो। देख हमारे हपुआ को वेज खा के कैसे होगा वो अष्टपुष्ट। Grandmother, me not wanting to be fatty. रो दीदी, 10-12 दिन अगर और चिकन ना खावेगी ना तो गायब ना हो जाएगी। अम्मा, जे पूजा जल्दी नहीं खत्म हो सकत है, वैसे भी 2-3 हफ्ता तो हो ही गए हैं। हाँ, 1 महीना बहुत लंबो समय होता है। नहीं, हम तो रह लिए अम्मा, लेकिन ऋतिक नहीं रह पाए अम्मा। जब नॉनवेज खाना ही ना बनेगो तो अपना आप ही खाने पड़ेगो वेज खानो, आदत पड़ जाएगी। अरे कट्टो, ये क्या वेज वेज चिल्ला रही हो? अरे कुर्मा शुरमा बनवाओ, क्या खुशबू आती है, मेरा तो उससे ही काम चल जाता है। तुम्हारा काम तो हम चलाए देंगे नींबू निचोड़ के। दादी, इसका मतलब अब सब आलू और टमाटर ही खाएंगे? अरे जी का हाथ बता रहा उसे है? कान खोल के सुन लो, हमने जे बोल दो है तो बोल दो है, जा घर में 10 दिन और नॉनवेज ना बनेगो तो ना बनेगो। हो ना बनेगो, जब सोचो इतने दिन कट गए, 10-6 दिन और कट जाएंगे, सब शाकाहारी हो जाओ और 10 दिन हैं? ठीक है, फिर मैं बेने के यहाँ जाता हूँ। जाओ जाओ, घर में ना घुसियो फिर। और महाराज, अभी तक दुकान बंद ना करी तुमने हैं? ऐसू है, टाइम पे पहुंच जाओ करो घरे बीबी के पास। नहीं ऐसू ना हो कहूं सारे, एक आध दिना तुम पान में चूना लगाती रह जाओ और घरे तेरी बीबी तो को चूना लगा कर भग जाए। सारे को मुंह देखो, ले मजाक कर रही। सारू सो गा होगा? अरे बेनी,
अरे वो बेनी प्रसाद वकील बाबू। अरे यार आओ यार, सो गए का हो गया खोदी पुत्र, कहाँ इतना चिचिया रहे हो? अभी जो है आराम से बैठे थे, बिमलेश का ध्यान लगाए के। ओहो, तब तो महाराज हमसे बहुत बड़ा पाप होगा कि तुम बिमलेश साधना में लगी थी और हमने बुला लो। नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम हमारे बचपन के दोस्त हो, परम मित्र, तो तुम्हारे तो सौ सौ पाप जो है माफ। नाक में हड्डी अटक गई का ससुर का निकाल रहो जो? नहीं नहीं कुछ नहीं, वो क्या है कि अफीम कोठी की तरफ आज जाना हो गया था, वो हमारा एक दोस्त है ना, वो मनसुख, वो जगन को लौंडा। हाँ हाँ, तो उसका क्या है ना, फोन आ गया था कि क्या है उसके घर में ना उसने देसी मुर्गा पकाया है। क्या को मतलब तू सारे देसी मुर्गा पेल के आ रहा हूँ? हाँ, बस उसी का जायका जो है दांतों के बीच में कहीं फंसा हुआ है। आओ आओ। वैसे यार सुन, तू आदमी तो बेकार है, मतलब तू ऐसी मुर्गा वाली दावतें अकेले अकेले पेल रहो है, हमारी याद तक ना आई? अरे गुरु ऐसा है कि हमें पहले से थोड़ी ना पता था, वो तो बस तुम का इतना लाट टपका रहे हो। राजेश भी तो कितना बढ़िया बनाती मुर्गा है। अरे बनाती तो है यार, चक्कर का है कि आजकल हमारे घर में ना तनक नॉन वेज पे है, ये मुर्गा वर्गा इन पे पाबंदी लगी है, एक महीना के लाने रोक है, मतलब कछु बन ना सकते। हैं क्यों? कछु नहीं, वही अम्मा को कछु कर्म कांड है, वो जोशी आके कछु बता गो कि महीना भर को मामलो तनक नॉन वेज से दूर रहो। अब 20 दिन तो सारी निकल गई, लेकिन अब 10 दिन बचे हैं, अब यही आलू टमाटर ही बन रहे हैं ससुर। अम्मा भी जो है ना हर बार कुछ नया तोता पाल लेती है। अरे बाकी चक्कर में राजेश, राजेश हमारे तोता लाल करें बैठे। कहे राजेश ने क्या कर दिया? करो कछूना है, रट लगाए 20 दिन से चिल्ला रही है, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए मुर्गा खाने मुर्गा खाने, अब जो बताओ कैसे खिला दें? एक महीना की बात है ना, अब 10 दिन कैसे, मतलब 10 दिन तो मामलो टले। तो एक काम करो ना, खिला दो। तो इतनी देर से हमका दोहा चौपाइया गा रहे, कह तो रही सोचो अभी एक महीना कछूना बन सकतू तो कैसे? अबे तो हम क्या कह रहे हैं कि चुपके से बाहर से मार्केट से जाके खरीद लो मुर्गा पका पकाया और चुपके से लाके खिला दो बस। तू सारे वही आइडिया देखो जाए में हमारी बैंड बजे, अम्मा को पता चलेगा तूफान खड़ो कर देंगी। तब तो गुरु एक रास्ता है, तुम ना ऐसे हाथ में थोड़ा सा पानी लियो, चुल्लू बन जाएगा और चुल्लू में डूब के मर जाओ। कब करो फालतू की बातें? और क्या, और तो कोई इलाज है नहीं, समझे ना, एक इलाज है, तुम एक काम कर लो, रात हो गई बहुत ज्यादा है, हमें भी आ रही नींद, तो हम तो जा रहे सोने और तुम भी चुपचाप कट लो, ठीक? अरे अर्शन तो अच्छा जो ठीक है, 10 दिन कट जाएंगे। वैसे अबे बीच में कब जा रहा हूँ, मनसुख के यहाँ पार्टी में? अरे वो यही कयामत के एक दिन पहले। दे जाओ, रुक जाओ, दूसरा दे थी, लियो डाल लियो, चल मुर्गा ना सही फील तो कर ले ससुर है। जा रहा हम, कविता लिखनी है हमको। जा में वैसी खुशबू ही ना आ रही ससुर, ये ले जा रहे नौनो ठैया के लाने। When me asking this Kamlesh to bring something for me, he taking too much time. Here by only giving name to kathi roll, my mouth is leaking with water. My dear grandmother, today me bringing and eating kathi roll, non-veg under your nose. Because Kate can't wait for non-veg. Kamlesh, kidhar hai? Cat. See. I bringing kathi roll non-veg for you. First tell me one thing. You going to Farukabad to bring this? No. I buy it Jhakarkatti. Farukabad big pharma from Kanpur. If you want eat Farukabadi kathi roll, I will go there. Because I can do anything na for you. Anything for me. Me waiting here for every second and every minute. But you roaming like a open bull in the bazaar. Sorry cat, next time no do, please next time if you're doing this, me sharpening your kidney, okay? Now stop destroying time and eat delicious kathi roll. Listen. Yummy, very spicy, sweety, creamy, delicious kathi roll. Yo tum log kya kha rahe ho? Yes, we both are eating kathi roll non-veg. Why are you beating me?
If you want, I will buy also for you. अबे साढ़े, तू किससे पूछ के ये नॉनवेज घर में लेकर आया? तने पता है ना ये सब अभी नहीं खा रहे घर में. इधर आ. मलाइका, 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 लाख में प्लीज सेव मी, सेव मी, मलाइका, 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 प्लीज सेव मी, नॉट बीटिंग मी. कैट, कैट सेडिंग मी कि बाय काठी रोल नॉनवेज फॉर मी, आई बाय. दीदी, अपनी जुबान को ना थोड़ी लगाम दे, वरना शिकायत कर दूंगी थारी दादी से. और तू सुनिदार, दोबारा अगर यो हरकत तूने मारे घर में कर दी ना, तो थारा काठी रोल बना के खा जाऊंगी मैं, समझा? ओके. निकल. ओके ओके. अभी निकल. ओके, आई एम गोइंग. कैट बाय. नो बीटिंग मी नेक्स्ट टाइम. आई विल नॉट डू. फेक, फेक. कर लेती हूँ. शिकायत करूँ तारी दादी से? रख. रख तो रख. दीदी की क्या है मारी? मलाइका, अरे कैसे आएगा वो महल जनाने में, बताई दे लांगरिया. कैसे आयो महल जनाने में, बताई दे लांगरिया. अरे दादा, क्या बात है? अभी तक सोई ना? अरे सोन जा रहे थे, तब तक जे उठ गए तो इन्हें सुलाए रहे. बढ़िया है, चलो तनक सर को फिर हमूं कमर सीधी कर लें यार. अरे नाना, इन्हें सुला लेने दो. हमें पता तुम लेट थी खराटे लेने लगे हो, अब तुम्हारे खराटे से ना जे नहीं सोए पे है, तुरंत उठ जाए. सुनो. कहा है? हम जो कह रहे कि हम बाहर से आ रही थी, कसम से कह रहे, रज्जू कमाल को मौसम है आज, सुहानु सु मौसम है. तो जाको जल्दी सुलाओ, बड़ो मन कर रहो है रोमांस करने को. वैसे मन तो हम आओ भी कर रहो है. अच्छा, मतलब सारू आग दोनों तरफ लगी है? हमारी आग ना एक दूसरी तरह की है. क्या कह रही तुम? तो मैं कौन सी आग लगी? हमें ना मुर्गा खान को मन कर रहा है. तो मैं होका कहूँ यार, इतनी बढ़िया रोमांटिक बातें चल रही हैं और तुम्हें जा टाइम पे मुर्गा खाने की सूझ रही है. और जो बताओ, जो ऐसो कौन होते है खाना खाने के बाद भी खाना खाने की बातें कर रहा हो? अब तो खाओ खाना. मन कर रहा है. खाओ खाओ. लेकिन रज्जू तुम्हें पता तो है, हम समझ रहे तुम्हारी बात, लेकिन अम्मा ने रोक लगा रखी ना, हम क्या करें, हम मजबूर हैं. अब 20 दिन कट गए हैं जैसे तैसे, 10 दिन और काट लो. चलो हम तो काट लिए, पर इति को कैसे समझाएं? वो मान ही नहीं रहो है, खाना ही नहीं खा रहो है, सूख के कांटा होएगा वो है. आओ आओ, हम समझ रहे, लेकिन क्या करें यार. अगर हमने चुपके से कछु भी करूँ ना, मटन बटन कछु बनाओ, अम्मा को तुरंत पता चल जाएगा, फिर फालतू को राय तो फैलो. और अगर पता ना चले तो? ये हमारी अम्मा है, हमें उनको पता है, उनकी नाक इतनी तेज है, 1 किलोमीटर दूर पड़ोस में सारू अगर मटन बन रहा होगा ना, चिकन पकन कछु भी, सूंघ के बता देंगे कि वो तक्का बन रहा हो, बहुत तेज है. ऐसो है, अपनी अम्मा की तुम जानो, हम बस ये चाहते हैं कि बस मुर्गा बने है तो बने, उब्बे भी देसी मुर्गा बने है. और सुनो. हाँ? हम एक वादा कर रहे, अगर तुम हमें मुर्गा खवाए दियो ना, हाँ, तो हम वैसे ही रोमांस करें जैसे तुम बाहर माहौल देख के आए हो. अच्छा, एक काम करो, मुर्गा को छोड़ो, मुर्गा हमें समझ लो और हमें खा लो. तुम मुर्गा कहाँ हो? तो कहाँ है? बकटेटा. अरे अम्मा, क्या कर रही, चाय बना रही कि खीर बना रही? अरे राजेश, अरे यार कितो टाइम लगेगो, एक तो ये सारे तैयार खड़े हैं छाती पे स्कूल के लाने. अरे राजेश, अरे ले आओ यार. भाई हमने तो टोकनो ही छोड़ दियो, भाई हम कछु कहेंगे तो बुरे बन जाएंगे. अरे राजे जी, ले अम्मा, रख दो, बाद में पी लेंगे. जे ले, तुम वो पी लो, और सवेरे सवेरे अलार्म जैसे ना बजा करो,
घर में हजार काम होते हैं, नेक टाइम लग जाता है। इंसान है, रोबोट तो है नहीं जो चुटकी बजाई और हाजिर होए गए। नहीं वो ठीक है, लेकिन क्या कितना ना टाइम ड्यूटी के टाइम पे ना टाइम को ध्यान रखो। हाँ दरोगा जी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद कह रहे, जो इतो अच्छो सुझाव दो आपने हमें। कैट कैट हे कैट ये सारे कैट कैट कर रहे हुए थे, कैट को बाप बैठ हुए बोना दिख रहा हूँ। कौआ की तरह सारे आंगन, तेरे बाप की आंगन ऐसे चिल्ला रहा हूँ कहाँ कहाँ कहाँ, तमीज नहीं है ना, नमस्ते ना कछु, कैट टपक के गिरेगी क्या खोपड़ी पे तेरे। नमस्ते नमस्ते। चल अब आ गए हुए तो एक काम कर, सुकून में चाय पिए, हमारे मोड़ी मोड़न के छोड़ के आ जा, स्कूल छोड़ के फटाफट। ऋतिक चमची किड्स रेडी टू गो स्कूल, डू फास्ट, आई हैव नो टाइम, चलो चलो चलो। भाई एक्स्ट्रा टाइम के लाने कौन सी बाजार में दुकान खोलने है तो को सारे हमने जाको कोनो काम ना बताओ कि ये पहले ससुर एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, तू बड़ो बिजी है ससुर, छोड़ के फटाफट। ऋतिक चमची चलो, कमलेश भैया स्कूल छोड़ दिए, चलो अब मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, आज स्कूल से आने के बाद मुझे सूखी भिंडी पत्ता गोभी ये सब नहीं चाहिए, आज मैं नॉनवेज ही खाऊंगा और ये मेरी फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है बस। दादी ये देखो, ये ऋतिक फिर से नॉनवेज मांग रहा है। चुप चुप चुप, अरे छोड़ इसे, बिल्कुल अपने बाप पे गौ है। आने दे स्कूल से, तेरे कान खींच के तब बताएंगे। अरे शुद्ध शाकाहारी भोजन ना खाओगे ताकि पढ़ाई में मन लगे। हाँ खिलाते हैं नॉनवेज हम। हाँ कमलेश जा, बच्चन को स्कूल छोड़ दो, संभाल के ले जाइयो। हाँ गिरेइयो नहीं। हाँ शाओ दीदी शाओ। हाँ हाओ 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 टाटा। तुम्हारी ढूंढी बहू आ जा, चल रहे फिर पी लो, ठंडी हो जाएगी, नहा लेंगे अब तक हमें। अरे दादा हमने ना ढूंढी, तू ही ढूंढ के लाओ है। हाओ हाओ बढ़िया तो है ससुर, दे रही गरम गरम चाय। अरे दादा फोन आ गो, कौन का नंबर है? हेलो। हाँ जी नमस्कार। कौन? अरे हम आपके उनके वो जिन्होंने हमें आपको ये देने के लिए कहा था। तुम किसके कौन हो भैया, हमें तो कछु समझ नहीं आ रहा है। अरे आपके वो जो यहाँ रहते हैं। कौन कहाँ रहते हैं? देखो भैया साफ साफ बोलो, काहे नींबू निचोड़ रहा हो। अरे वो जो आपसे बड़े हैं। हमसे जो बड़े हैं, हमसे कौन बड़े हैं? अतवीर भैया। हाँ वही जिन्होंने हमें कही थी कि आपको कुछ दिनों के लिए वह देने आना है, ये हमारे साथ ही है। अच्छा अच्छा, तुम्हारा मतलब बबलू से है का? जी हाँ। अच्छा तो भाई जल्दी ले आओ, कहाँ हो तुम? बस अभी हम यहाँ हैं, कुछ समय में वहाँ पहुँचते हैं। देखो भाई तुम्हारी बातें हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, तुम हमारे बबलू को जल्दी से लेके आ जाओ भाई, हमें बहुत चिंता हो रही है अपने बबलू की, ठीक है? जी जी जी। हम फोन रखते हैं, रखो। कौन वो बार आगर आदमी रहा कहे जो कहे, जब तुमसे हमने कही थी कि कल 12 बजे आके मिली हो, कहाँ गए थे 12 बजे? फिल्म देखने चलो सारे, 12 से 3 फिल्म चल रही है। कौन सी फिल्म का हो तो? रेशमा और शेरा। लड़की से चक्कर भी रेशमा के साथ, फिल्म भी जाएगो रेशमा के साथ, हर अब जो बज रहो आगे से ना हमसे ऐसी बिल्कुल, हमें बहुत खून खोल रहा हूँ माओ आज तू की। हाँ राजेश बोलो कहो कहो। अरे अबे कछु नहीं भाव है, लेकिन अगर आज रात देसी मुर्गा ना हो ना तब हो जाए।
जी कैसी बातें कर रही? ठीक कह रहे हैं। और कैसे बाप हो तुम, तुम्हें शर्म नहीं आते हाँ? जब बच्चन को पाल नहीं सका तो काहे पैदा करो तुमने? ये जी कैसी बातें कर रही रज्जू? अगर यार अगर हम नॉनवेज ना खिला पा रहे अपने लौंडा लपाड़ियन को, जाको मतलब हम खराब बाप हो गए? तो अच्छे कबे हते, तुमने हमारे और हमारे बच्चन के लाइन कभी कुछ नहीं करो है, सब अपनी अम्मा के लाइन करो है तुमने। अब जो कौन सा नव राय तू फैला रही तुम? रायता अभी फैलो नहीं है और अब फैले है, तुम आओ लल्ला फैलाइए ऋतिक। अच्छा जो ऋतिक कौन सा नव राय तू फैलाए को बताओ ना हमें। ऋतिक ने धमकी दी है अगर भाई मुर्गा ना मिलो ना तो वो खाना नहीं खाए। जो रज्जू ज्यादा बिगड़ रहो, हम बता रहे ज्यादा छूट ना दो, घरे आके हम कान खींचेंगे सारे के। कई कान खींचियो तुम, और बाने ऐसी कौन सी डिमांड कर दी है? बाने सिर्फ मुर्गा मांगो है, हवाई जहाज ना मांगो है। अरे ठीक है यार, हम ना छिल रहे, हम समझ रहे हैं, बड़ो मन कर रहा है, चटोरी जबान हो रही है सारे की और कछु नहीं। ठीक है हम कछु कर रहे हैं इंतजाम, तुम टेंशन ना लियो। देसी मुर्गा चाहिए? अरे तो को ले आ रहा हूँ विदेशी, देसी खाइयो ससुर, हमें खा लइयो नहीं तो। रखो फोन और जल्दी आइयो। हाउ हाउ।